जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली फिर से मैं ज्वाइनिंग लेटर पे बना रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का मतलब इसको देखने के लिए आंखें तरस गई होगी, हैं इंतज़ार की मतलब घड़ी है थोड़ी सी बढ़ती जा रही है इसको देखने के लिए कि कब हमारा भी ऐसा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए और कब हम भी खुश हो जाएं। कुछ तो हो गए जिनका नंबर आ गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जिनका नंबर नहीं आया है तो दोस्तों आप सभी को मैंने बता दिया पहले, मैं जिनका नंबर नहीं आया उनको भी बता रहा हूँ दोस्तों कि आप सभी को गुमराह कर रहे हैं लोग। सेकंड लिस्ट अगर आएगी तो जैसे मैंने पहले ही बताया मेरे दोस्तों कि आप उसके लिए कोर्ट केस कर सकते हो, कोर्ट से बड़ा कोई न्याय नहीं दे सकता। आपको पता है कोर्ट किसी भी सरकार के ना तो अधीन होता है, मतलब स्वतंत्र अगर कोई चीज़ है तो देश में न्यायपालिका है यानी कोर्ट है, तो आप केस कर सकते हो अगर आपको किसी चीज़ से ऑब्जेक्शन है तो। बाकी आप बाकी बातों पर ध्यान ना दें, अपनी अगली तैयारी शुरू कर दे दोस्तों, फिर आप अभी इसमें लगे रहोगे फिर अपने मतलब बाद में पछताओगे। आरपीएफ में भी कॉन्स्टेबल की वैकेंसी आ रही है, एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, और जिन बच्चों की एसएसजीडी की वापस से तैयारी कर रहे हैं वापस तैयारी शुरू कर दो, जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली वो भी सीपीओ की अगर फॉर्म भर रखें तो सीपीओ की तैयारी कर दें। साथ एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि जिनकी भी ज्वाइनिंग आने वाली है, जो भी रह गए हैं इस भर्ती में, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं बता दूँ दोस्तों कि परीक्षा ऐप है, इस पर बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, सीपीएसआई की भी, आरपीएफ की भी, एसएससी जीडी की, और भी आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी शानदार टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी इस पर। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, आप जाके डाउनलोड करके एक बार अपने आप को जांचिए कि आप सीपीओ के लिए प्रिपेयर हो या नेक्स्ट एसएससी जीडी में आप कितना स्कोर कर सकते हो। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो भी आपके पास में टेस्ट सीरीज होना जरूरी है दोस्तों। इसमें अगर मेरा प्रोमो कोड लगाओगे आप कमांडो 50 तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिल जाएगा टेस्ट सीरीज परचेज करते टाइम। तो दोस्तों चाहे आपकी ज्वाइनिंग आ रही है, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो आपको पता है कि सीपीओ के लिए मैंने पहले ही बोला कि सीपीओ आपकी चाहे कभी भी ज्वाइनिंग हो सीपीएसआई के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, और भी अगर कोई एग्ज़ाम है मैं शुरू से बोलता रहा हूँ उसके लिए भी आपको छुट्टी मिल जाएगी दोस्तों। तो आपको फ़ोन का जो टाइम है उसमें आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जैसे काम कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप मतलब किसी भी टाइम कर सकते हो और अपने आप को चेक करते हो, आपका रिवीजन भी होता रहेगा दोस्तों, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जितने भी मेरे दोस्त आने वाले ऐसे जेडी की भी तैयारी करने वो भी ज़रूर परचेज कर ले ताकि आपको फ़ायदा हो। दूसरी बात मैं बता दूँ दोस्तों कि ये बवाल है, इस चक्कर में आप कोर्ट केस से या किसी भी कारण से आपकी जो ज्वाइनिंग है, अभी एक नोटिस और ये भी वायरल हो रहा है, जैसे ही कोई भी ज्वाइनिंग से संबंधित नोटिस वायरल होता है तो मेरे पास मैसेजों की संख्या बढ़ जाती है इंस्टाग्राम पे, धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं, क्या सर ये सही है, क्या सर सही है, क्या सर ये ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों जैसे इसमें लिखा हुआ है या आपको भी पता है कि एक बात मैंने पहले नहीं बताई आज बता रहा हूँ मैं, कि जो ज्वाइनिंग होती है आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं कराता, आपका डिपार्टमेंट कराता है, यानी सीआरपीएफ वालों को सीआरपीएफ कराएगा, बीएसएफ वालों को बीएसएफ कराएगा, आईटीबीपी वालों को आईटीबीपी कराएगा। इसी प्रकार सभी डिपार्टमेंट को सभी डिपार्टमेंट ही ज्वाइनिंग कराएंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं कराएगा ताकि ऐसा नोटिस आए, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट एक ही तारीख को थोड़ा ना वायल मतलब लॉन्च कर देते हैं सारे के सारे ज्वाइनिंग लेटर, नहीं ऐसा नहीं होता है। कोई डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रुप सेंटर वाइज ज्वाइनिंग लेटर आपके पास में आएंगे, किसी एक ग्रुप सेंटर से भी नहीं आएगा, अलग अलग से आए तो किसी के पास में 15 को, किसी के पास में 16 को, मतलब अलग अलग डेट को पहुंचेंगे। अब कईयों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हम ज्वाइनिंग पोस्टपोन करा सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें। तो दोस्तों इसके लिए अगर मान लो आपको एग्ज़ाम देना चाहते हो या किसी भी कारणवश आप मेडिकली कारणवश या किसी भी कारणवश अगर अपनी ज्वाइनिंग को लेट कराना चाहते हो तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए ना, या कोई प्रेग्नेंट लड़कियाँ हैं उनके लिए भी बता दूँ, तो किसी का भी अगर मान लो ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो ज्वाइनिंग लेटर जैसे आए उसके 5-10 दिन पहले ही आप उस ग्रुप सेंटर में जाके रिपोर्ट करिए, और वहाँ के जो डीजी महोदय, डीआईजी महोदय या आईजी महोदय उनसे मिलके उनका इंटरव्यू लेके उनसे आपकी प्रॉब्लम बताइए, वो आपका इसका निदान बताएंगे, मैं इसका निदान नहीं बता सकता, ठीक है। तो वो बताएंगे कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, वो ज्वाइनिंग अगर चाहे तो लेट भी कर सकते हैं, या आपको कुछ ऐसा बोलते हैं कि हम आपको छुट्टी छोड़ देंगे या आपको मतलब ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजेंगे, आप ज्वाइन कर लो, वो उन पे डिपेंड करता है, तो वो आपको जरूर मदद करेंगे दोस्तों। तो जिस भी डिपार्टमेंट में ऐसा कोई कराना चाहता है वहाँ पर पहुँच के ये बात कर सकता है दोस्तों, ठीक है। अब रही बात कि ज्वाइनिंग कब आएगी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर ज्वाइनिंग कब आएगी, अब लेट तो नहीं हो जाएगी, तो दोस्तों बता दूँ ज्वाइनिंग अब लेट नहीं होगी। वैसे तो ज्वाइनिंग मैंने जैसे पहले बताया कि 10 फरवरी के आसपास आपकी ज्वाइनिंग, तो मान के चलिए कि 10 फरवरी या 20 फरवरी के बीच में आप सभी के ज्वाइनिंग लेटर आ जाने चाहिए। उसके बावजूद अगर नहीं भी आते हैं तो फरवरी माह लास्ट है ज्वाइनिंग के लिए, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, या नोटिस वोटिस सब वायरल है और कोर्ट केस से इसकी ज्वाइनिंग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए जितने भी दोस्त ज्वाइनिंग का वेट करें अच्छे से वेट करो और अपने शरीर का पूरा ध्यान रखो, कहीं भी चोट चाट ना लगे दोस्तों।